किसको देखूं मैं? कैमरा लुक, कैमरा मैम। सबसे पहले तो बाबर का टावर किस तरह का शो होने वाला है? मैं आपको देखूं, उधर देखूं? अच्छा, किस तरह का शो होने वाला है और आपके कैरेक्टर पर थोड़ा? तो मुझे लगता है शो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इट्स अबाउट अ सिंपल नॉर्मल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली इन दिल्ली, एंड बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मनु ऋषि हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है, एंड भाविन, अवनीत, अंशुमान, तो जो हमारी टीम थी वो बहुत मज़ेदार थी। ऑफ कोर्स लेड बाय नेहा, विक्टर, आलोक, जो हमारे कोर डायरेक्टर्स एंड राइटर्स थे। तो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग माय कैरेक्टर। थोड़ी अप्स एंड डाउन्स, एंड यू नो, टुक टाइम टू फाइंड द कैरेक्टर, बट आई थिंक इन द एंड इट्स बीन अ फन जर्नी। इसमें क्या कैरेक्टर नहीं, माँ के ही कैरेक्टर में हूँ, लेकिन मेरे दो टीनेज बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो पेरेंट्स आजकल, जो थोड़े से पुराने ज़माने के पेरेंट्स हैं, वो आजकल के बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, वो बात। जी, आपको किस तरह की लगी? मैंने अनफॉर्चुनेटली अभी देखी नहीं है, सो या, बट आई विल सून। ओके मैम, फाइनली मैम, रिया का ये मैंगो पीपल के साथ ये जो कपल ऑफ इवेंट मैंगो पीपल का ये है, बट आई विल जस्ट फॉर दिस इज अ बूटीक प्रोडक्शन ऑफ सर। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय एक्सपीरियंस विद मैंगो पीपल। आई मीन, वी वेंट ऑन द सेट, we attacked this production, we were under a lot of stress, we had to complete a lot of episodes in a very short amount of time, so that had its share of ups and downs for even the production people, directors, actors, everybody, but in the end it was a great team to work with. They are the most loving, kind, considerate people that I have ever worked with, one of the most, definitely, and I would love to work with them whenever I have a chance, for sure. Mango people, kya ye ha. होने वाला है? नहीं, हो गया है, 6 एपिसोड तो बाहर हैं, आप देखिए। इट्स अ कॉमेडी सेट इन दिल्ली, पंजाबी फैमिली के बारे में है, अबाउट कैसे जनरेशन गैप पेरेंट्स और आज के मिलेनियल्स को डिफ्रेंशिएट करता है, और कैसे एक पागल सा किराएदार, थोड़ा हिप्पी सा है, वो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। कैमरा लुक, ओके। तो बेसिकली कैसे एक पंजाबी फैमिली और उनके बच्चों के बीच जो जनरेशन गैप है उसके बारे में है, और कैसे उनका एक किराएदार है जिसने परछत्ती को टेक ओवर कर लिया है। दिल्ली में परछत्ती को वो छत वाला घर बोलते हैं, और कैसे वो जो टब्बर है, टब्बर मतलब परिवार, फैमिली, इस किराएदार की मदद से उस जनरेशन गैप को ब्रिज करता है, और काफ़ी क्वर्की है जो कि टीवी पे नहीं हो सकता है या नहीं होता है, इसीलिए ये वेब के लिए, एंड इट्स अ वेरी यूनिवर्सल शो, फैमिली शो, पीपल विल एंजॉय इट। पोस्टर देख के लग रहा है कॉमेडी शो है जी, तो फिर कॉमेडी करना कितना डिफिकल्ट हुआ है? नॉर्मली बोलते हैं कि डिफिकल्ट टास्क होता है कॉमेडी करना। जी, मैंने जिंदगी भर थिएटर किया है और थिएटर में बहुत कॉमेडीज किए हैं, तो मुझे कॉमेडी वो कहने या सोचने की बात है, एक्टिंग एक्टिंग होती है, लेकिन बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं इसमें, मनु ऋषि चड्ढा जिन्होंने ओए लक्की लक्की ओए या फंस गया रे ओबामा जैसी कमाल की फिल्में की हैं, एंड दे हैव मोस्टली बिन सटायरिकल या कॉमेडीज, तो उनकी कॉमिक टाइमिंग और वो जो दिल्ली का लिंगो है, वो जो वो पकड़ते हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो दिल्ली की भाषा उस लेवल पे पकड़ सकते हैं। तो मनु ऋषि चड्ढा हैं, आयशा रजा हैं, हम सब जानते हैं उन कितनी बेहतरीन अभिनेत्री हैं वो, फिर अवनीत कौर हैं, भाविन हैं, जो कि यंग एक्टर्स हैं, तो सब बहुत ही एक, क्या बोलूँ मैं, इट्स अ नाइस मिक्सचर ऑफ, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं, एक्सपीरियंस एंड यूथ, और मेरा किरदार कहीं बीच में जो उन दोनों पक्षों को साथ में लाता है, और बहुत ही क्वर्की चीज़ें बोलता है, जैसे अगर बेटी का बॉयफ्रेंड आ गया घर में तो वो बाप को बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर आप प्यार में से एडवेंचर और एक्साइटमेंट निकाल लेंगे तो रिलेशनशिप फुस हो जाएगी, और बच्चे सामने रहें तो अच्छा है। तो ऐसे फ़नी क्वर्की तरीक़ों से वो उनकी प्रॉब्लम्स और उनके लाइफ के जो जनरेशन गैप इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करता है। पंजाबी फैमिली की बात की, पंजाबी काफ़ी फूडी होते हैं जी,
खाने में क्या क्या जी? मैं बिहारी हूँ और मैं भी बहुत फूडी हूँ। हम लोग सेट पे बहुत खाते थे। क्या खास बात है देखा जाए तो फूड में जो आपको? पंजाबी बहुत दिलदार होते हैं। मुझे मेरी फेवरेट कम्युनिटी है पंजाबी, क्योंकि बहुत ही जो करते हैं दिल खोल के करते हैं। जब हंसते हैं तो दिल खोल के हंसते हैं, नाचते हैं तो दिल खोल के नाचते हैं, लोगों को वेलकम करते हैं तो बहुत वार्म्थ से दिल खोल के करते हैं। और हिंदुस्तान में हर प्रांत में लोग बहुत ही प्यार से वेलकम करते हैं, लेकिन पंजाबियों का कुछ मतलब कुछ अलग ही टच होता है। तो दिल्ली बेस्ड पंजाबीज, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ तो मेरे सारे करीबी दोस्त पंजाबी हैं, ज़्यादातर लोग लाजपत नगर जी के इन एरियाज़ में। तो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है वो वार्म्थ और वो लव पंजाबीज में। तो जैसा मैंने कहा, मनु ऋषि भी दिल्ली के हैं तो उन्होंने भी एक ओरिजिनल दिल्ली फ्लेवर ऐड किया है, जो कि शो की सबसे बड़ी यूएसपी है कि काफ़ी ऑथेंटिक है। और अभी तक जो फीडबैक आया सबसे बड़ा वही आया है कि अभी सिर्फ 6 एपिसोड सीज़न 1 के लोड हुए हैं, हमने 2 सीज़न शूट किए हैं 12-12 एपिसोड के। तो जी, सबसे बड़ी खासियत शायद वही है कि इतने ऑथेंटिक दिल्ली बेस्ड एक्टर्स हैं। ऐशा रज़ा आई थिंक इज़ द बेस्ट पंजाबी आंटी इन द होल कंट्री, और वो हर फिल्म में ये काइंड ऑफ प्रूव कर देती हैं। तो इट्स द कास्ट, विक्टर एंड नेहा जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, आलोक जिन्होंने लिखा है और डायरेक्ट किया है विक्टर के साथ, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से सही लोगों को साथ लाए हैं, और वही शो का सबसे बड़ा फ्लेवर है जो एक्टर प्ले है। थैंक यू सो मच। आज मैंगो पीपल जो कि प्रोड्यूसर्स हैं बब्बर का टब्बर और लव लस्ट कन्फ्यूजन के, जिसमें तारा अलीशा बेरी हैं और बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने। एक साल इस कंपनी को हो गया है एंड आई एम विशिंग देम द बेस्ट एंड लॉट्स मोर शोज। एंड मुझे बहुत प्यार है विक्टर और नेहा से, जो कि मैंगो पीपल के हेड हैं और उसको रन करते हैं। बहुत ही कमाल के लोग हैं प्रोड्यूसर्स के अलावा, और इसीलिए वो अच्छे शोज़ बना रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं। तो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लक टू मैंगो पीपल, एंड वी आर ऑल फैमिली नाउ, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।